वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और थैंक यू यार सब्सक्राइब करने के लिए मैंने चैनल को, और अभी तक अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के लाते रहूँगा आपके लिए। और बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो लोड आउट के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं इन गन के अंदर अटैचमेंट्स की बात नहीं करूँगा, लोड आउट के बाहर से आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ का मतलब क्या क्या है और कहाँ आपको कौन सी चीज़ रखनी चाहिए। जैसे ये देखो लोड आउट मैंने ओपन कर दिया है एंड गन्स भी है यहाँ पे। आपको पता है प्राइमरी में तो असॉल्ट राइफल रखनी होती है। मैं बेसिकली आपको ये जो नीचे की चीज़ें क्या क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए कि लोड आउट कौन सा रखना है अपने हिसाब से और कौन सा बेस्ट अटैचमेंट्स या पर्क्स जो होते हैं नीचे जो दिख रहे हैं आपको, ग्रीन रेड और ब्लू कलर के ये पर्क्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा अच्छा है और आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पूरा लोड आउट कैसे सेट करना है अपने हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला थिंग तो लोड आउट के अंदर अपने को दिख रहा है ये वेपन, जो अपना मेन वेपन जो होता है। तो मेरा भी मेन वेपन है यहाँ पर ASM-10। तो इसमें कैसा होता है, जैसे आप ज़्यादा गेम्स खेलोगे तो अलग अलग गन्स भी अनलॉक होते हैं। तो काफ़ी आई थिंक अगर आपने न्यू स्टार्ट किया तो आपके पास ये गन अभी अनलॉक नहीं हुई होगी, तो आपके पास अभी AK-47 होगी या M4 भी होगी। तो इसमें M4 भी है देखो, लेकिन इसमें M4 उतनी मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसका कुछ डैमेज उतना खास नहीं है। बाकी गन्स का बहुत सारा डैमेज है। HBR-A3 भी काफ़ी अच्छी है बोलते हैं लोग, बट मेरे हिसाब से मैंने तो ये फ़िलहाल ये रखा है। तो आप अपनी एक प्राइमरी गन चूज़ कर लो अभी आपके लेवल के हिसाब से, जो भी आपकी अनलॉक होगी। तो चूज़ करते टाइम आप ये देख लेना, देखो इस गन का सभी का डैमेज और ये सब स्टैट साइड में दिख रहा है। तो समझो फॉर एग्जांपल मैंने अभी AK-47 सिलेक्ट किया है, तो इसका डैमेज दिख रहा है 48-67। एंड अगर मैं कोई दूसरा गन सिलेक्ट करता हूँ तो देखो डैमेज इसका कम हो गया है, रेड भी दिखा रहा है। सो जैसे ही आप अलग अलग चीज़ें सिलेक्ट करोगे सो वो रेड या ग्रीन ऐसे बताएगा कि इस गन में पिछले वाले गन से जो आपने सिलेक्ट किया था क्या बेटर है। तो जो आपने सिलेक्ट किया है तो इसमें देखो M4 का फायर रेट और मोबिलिटी अच्छा है। तो उस हिसाब से आप अपना प्राइमरी वेपन चूज़ कर सकते हो। एंड जैसे आप चूज़ करोगे तो वहाँ पे अटैचमेंट्स भी लगा देना। यहाँ पे अटैचमेंट्स का एक अगर मैं डीप जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इन डेप्थ, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। तो बेसिकली यहाँ से बाहर से बताता हूँ आपको लोड आउट्स के बारे में। तो ये हो गया अपना मेन वेपन, और सेकेंडरी वेपन आपको अपना नाइफ़ रखना या पिस्तौल भी रख सकते हैं। मैं पिस्तौल प्रीफर करूँगा, अगर आप नाइफ़ करना चाहते हैं ज़्यादा नाइफ़ से खेलते हैं तो आप नाइफ़ रख सकते हैं, लेकिन पिस्तौल बेटर होगा। अगर आपका कभी रीलोड आ जाता है सामने तो आप इंस्टेंटली स्विच करके मार सकते हैं पिस्तौल से। तो यहाँ पर भी दो पिस्तौल टाइप अनलॉक्ड है और सबसे ज़्यादा डैमेज दिख रहा है 72 इसका दिख रहा है। सो मैंने यही इक्विप कर लेते हैं, क्विक इक्विप 72 है इसका डैमेज, तो काफ़ी सही है एंड एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। सो आप ये सब स्टैट्स देख के ही लोड आउट में अपने वेपन्स रखो, तो काफ़ी आसानी होगी। इसमें स्टैट्स में ऑलरेडी दे रखा है लोगों ने एंड यहाँ पे लॉन्चर भी है, बट मैं लॉन्चर यूज़ नहीं करता क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। सो अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो लॉन्चर भी। तो ये दो चीज़ें हो गई, और ये अपना यहाँ पे कैरेक्टर दिख रहा है Scout 2। तो यहाँ पे तीन टाइप के अभी अनलॉक हो चुके हैं, तो आपको ये तो बस बेसिक कैरेक्टर, इसका कुछ गेम में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये आपको कैसे दिखना है अपना लुक कौन से कैरेक्टर की तरह चाहिए। सो मैंने Scout 2 रखा हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कस्टमाइज़ भी हो सकता है अगर आपको करना है। देखो बैकपैक एंड रेड बैकपैक लगा दिया अपन ने। सो यहाँ पे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन है यहाँ पे। अभी अनलॉक्स तो नहीं होंगे तो अनलॉक भी होते रहते हैं। एंड ये हो गया थर्ड सेक्शन, तो ये फोर्थ प्यूरीफायर। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप किलिंग स्ट्रीक या बहुत अच्छा खेल रहे हो। तो राइट साइड में आपके देखो एक आइकन दिखता है ऐसा वाला, सो इस टाइप से आप मतलब वो एक वेपन अनलॉक हो जाएगा, येलो मार्क आएगा तो आपको उस पर क्लिक करना है, तो ये स्पेशल वेपन थोड़ी देर के लिए आएगा आपके पास। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है वेपन्स के, एक एक करके बताता हूँ। तो मैंने अभी फिलहाल प्योरीफायर रखा है, इससे पूरा आग का ब्लास्ट निकलता है, आप वीडियो में देख सकते हो। सो ये मुझे बेस्ट लगता है, इसमें आप दूसरे भी रख सकते हो। ये देखो वॉर मशीन, इसमें ग्रेनेड लॉन्चर, ग्रेनेड निकलता है इसके अंदर से, जैसे पबजी में भी होता था पेलोड मोड में ग्रेनेड निकलता था वो गन से, तो वो है ये। एंड ये है मिनी गन, और इसका भी अच्छा मशीन गन टाइप है ये, देखा ही होगा आपने। टेम्पेस्ट है ये भी एक, ये सब गन मतलब ये एक लाइटनिंग निकालता है, मतलब दूर तक जाता है इसका शॉट। और लेकिन इसमें सबसे बेस्ट मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा प्योरीफायर ही रखो, मतलब इसमें एम का कुछ आपको करना नहीं होता है, बस सामने जाओ और चला दो प्योरीफायर पूरा आग आग। तीन चार बंदे अगर साथ में होंगे तो वो साथ में भी मर जाएंगे। सो बहुत अच्छी गन है ये प्योरीफायर, थोड़ी देर के लिए आती है ये गन्स। ये हो गया, और अब आते हैं नीचे मोलोटॉफ के ऊपर, जो थ्रोएबल्स अपने होते हैं। जो मोलोटॉफ भी इसमें
रखना है तो रख सकते हैं। फ्रैग ग्रेनेड भी काफ़ी अच्छा है, इसका रेडियस देखो ज़्यादा है 50, मोलोटोव का रेडियस थोड़ा कम है। रेडियस मतलब कितने दूर तक इसका डैमेज जाएगा। सो फ्रैग ग्रेनेड का ज़्यादा रेडियस है तो अपन इक्विप कर लेते हैं फ्रैग ग्रेनेड को, और स्किन भी लगा देते हैं। एंड यहाँ पे एक ट्रिप माइन भी होता है। ट्रिप माइन मतलब ये माइन पहले से लगा हुआ होता है, अगर उस जगह पे आसपास कोई आएगा तो फट जाएगा माइन, ये अंदर बिछा हुआ होता है। और ये कॉकटेल तो मोलोटोव तो देख लिया अपन ने। एंड ये स्टिकी ग्रेनेड एक और है, और ये मतलब स्टिक हो जाता है जैसे सरफेस पे, तो वहाँ पे कोई आया तो फट जाता है। वैसे डैमेज इसका थोड़ा ज़्यादा है, पर अपन फ्रैग ग्रेनेड ही रखेंगे। क्लासिक जो होता है फ्रैग ही रखते हैं लोग, एंड फ्रैग ही रखना चाहिए, या मोलोटोव भी, दोनों में से एक कोई भी आप रख सकते हैं। सेकेंड है स्मोक, स्मोक एंड फ्लैश बैंग भी है यहाँ पे। एक और है कनकशन ग्रेनेड, इसका मतलब है एनिमी का मूवमेंट स्लो हो जाएगा अगर वो इसकी रेडियस में आए, अगर आपने फेंका उन पर तो थोड़ी देर के लिए उनका हो जाएगा मूवमेंट स्लो। एंड ईएमपी है, ये देखो डिसेबल्स नियर बाय मैकेनाइज्ड एनिमी यूनिट्स, अगर एनिमी ने कुछ यहाँ पे यूनिट लियो ना स्पेशल, जब बहुत सारा मारते हैं तो स्कोर स्ट्रीक होता है, तो कुछ वो लोग यूनिट्स बिठाते हैं यू नो, जैसे ऑटोमेटिक गन कुछ फायर करने वाला, तो अगर आप ये फेंकेंगे तो उनका स्लो हो जाएगा और डिसेबल हो जाएगा। ये ट्रॉफी सिस्टम है, इसका मतलब है अगर आप इसको कहीं प्लेस करोगे तो उस एरिया के अंदर ये एक्सप्लोजिव्स नहीं आने देगा, जैसे कि ग्रेनेड अगर किसी ने फेंका तो ये बाहर ही उसको ब्लास्ट कर देगा, उस टाइप का लिखा हुआ है इसमें। सो इसमें भी बेस्ट मैं बोलूँगा आपको स्मोक ग्रेनेड ही रखो, बाकी अगर आपको रखना है तो आपके ऊपर है। स्मोक ग्रेनेड काफ़ी काम आता है जब आप सर्च एंड डिस्ट्रॉय खेलते हैं, अगर आपको बॉम्ब प्लांट करना है डिफ्यूज़ करना है तो स्मोक डाल दो उस जगह पर एंड प्लांट करो आराम से, या डिफ्यूज़ भी कर सकते हो। तो ये हो गए इतने सारी चीज़ें, अब आते हैं मेन पर्क्स पे। ये देखो रेड और ग्रीन ये क्या क्या है ये सब चीज़ें, तो जैसे आप गेम खेलते हो तो ये सब आपको यूज़ आता है। तो सबसे बेस्ट तो मैंने यही रखा है फास्ट रिकवरी, जिससे आपका एचपी फास्ट रिकवर होगा, 35% फास्ट रिकवर होगा। तो इसमें भी अलग अलग है, परसिस्टेंस है, फ्लाई जैक है, ये क्या एक्सप्लोजिव डैमेज इससे रिड्यूस हो जाता है सॉरी। सो जैसे ही आपके अगर किसी ने ग्रेनेड आसपास किया है तो आपको ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, 35% से कम डैमेज होगा। सो एजाइल है, सो जैसे अगर फास्ट एम होगा, जैसे आप स्प्रिंट करते करते अगर कोई स्कोप खोलता है तो यू नो थोड़ा टाइम लेता है, अगर आप इस वाले इसको इक्विप करोगे तो वो स्पीड टाइम थोड़ा कम हो जाएगा और आप फास्ट स्कोप खोल पाओगे। और ये लाइट वेट स्प्रिंटिंग स्पीड इससे बढ़ जाता है 10% से, और फॉल डैमेज भी, वैसे फॉल डैमेज तो इसमें ज़्यादा है ही नहीं फॉल डैमेज का चीज़, तो मेनली तो स्प्रिंटिंग स्पीड आपका बढ़ेगा 10% से। तो ये भी आपके ऊपर है, आपको अब कौन सा यू नो रखना है, आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए अपने अंदर। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट आप रखोगे अगर तो फास्ट रिकवरी भी सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर आपका यू नो 10 HP हो जाता है तो इसमें हेल्थ रिकवर अगर फास्ट हो गया तो अच्छा होगा, नहीं तो बंदे दूसरे पुश कर सकते हैं फटाफट। अगर ज़्यादा फास्ट रिकवर होगा तो आप बच सकते हो, आपका क्विकली हेल्थ हील हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया हेल्थ, फास्ट रिकवर सेलेक्ट कर लो, इसमें आपके ऊपर है, मैंने तो यही रखा है, रिकमेंड करूँगा। एंड सेकेंड है ये टफनेस, सो इसमें भी अलग अलग है। इसमें क्या लिखा है, फ्लिंच वाइल बींग शॉट इज रिड्यूस बाय 60%। इसका मतलब है कि मतलब जैसे आपने देखो अगर आप पे कोई बुलेट आता है तो उससे यू नो बंदा थोड़ा पीछे होता है या मार नहीं पाता है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पबजी में भी ऐसा हो, पबजी में तो नहीं होता था, मतलब इसमें होता है, मतलब बंदा थोड़ा पीछे आता है तो वो यू नो बंदा पीछे नहीं जाएगा वैसे, जब शॉट लगेगा जब पड़ता है ना, जैसे रियल में कैसे इफेक्ट होता है उस टाइप का ये है इसमें, तो वो रिड्यूस होगा, इफेक्ट नहीं होगा वैसा कुछ, तो आप आसानी से मार सकते हो। सो वल्चर है पिकअप एमओ, ये क्या एमओ उठाएगा इससे ज़्यादा, मतलब एमओ ख़त्म नहीं होंगे आपका अगर एनिमी मारा तो। ट्रैकर एनिमी फुटप्रिंट आर विजिबल, इससे एनिमी फुटप्रिंट आपको दिखेंगे 4 सेकंड्स तक। कोल्ड ब्लडेड स्कोर स्ट्रिक कैन नॉट टारगेट यू, अगर स्कोर स्ट्रिक जैसे इसमें वो होता है ड्रोन होता है किसी ने फेंका तो आपको उससे टारगेट नहीं हो गया अगर आपने ये रखा है कोल्ड ब्लडेड सेलेक्ट किया है तो। और ये हार्ड वायर नो लॉन्गर, जैसे ट्रिप माइन से आपको इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आपने इस वाले पर्क को इक्विप करके रखा है। सो जो ट्रिप माइंस होते हैं और एनिमी के जो भी यू नो काउंटर यूएवी, जैसे अगर उसमें बहुत सारे अभी चीज़ें होती है आपको पता होगा, आई डोंट नो, काउंटर यूएवी एक चीज़ होता है, जैसे कि अगर किसी का लोकेशन रिवील होगा तो वो लोग काउंटर यूएवी कर देते हैं और वो लोकेशन रिवील नहीं होता है, तो उस सब चीज़ आपके फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें भी बेस्ट मेरे को लग रहा है टफनेस ही है, या तो आप ये भी रख सकते हो, ट्रैकर भी अच्छा है, एनिमी फुटप्रिंट्स आपको दिखेंगे 4 सेकंड तक, बट मैंने टफनेस रखा है। एंड थर्ड एंड फाइनल चीज़ है ये भी, ग्रैंड साइलेंट मूवमेंट, इसमें भी अलग अलग है, अभी आपके ऊपर आपको कौन से टाइप का रखना है। और ये देखो हार्ड लाइन इंक्रीज पॉइंट, जैसे पॉइंट अगर आप किल करोगे तो आपका पॉइंट ज़्यादा इंक्रीज होगा 25% से। डैमेज एक्सपर्ट,
डैमेज ऑफ एक्सप्लोजिव बाय 25%। जब भी आप कुछ फेंकोगे ग्रेनेड तो उसका 25% एक्स्ट्रा डैमेज होगा, मतलब ज़्यादा डैमेज होगा इस चीज़ से अगर आपने ये इक्विप किया है तो। डेमो एक्सपर्ट टैक्टिकल रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ एनिमी टैक्टिकल इक्विपमेंट्स। वही मतलब अगर एनिमी ने कुछ यू नो शील्ड या कुछ ऐसे अगर लगाया, जैसे ऑटोमेटिक वो गन राइफल भी वो चलाते हैं कुछ ऐसे स्कोर स्ट्रिक जब उनका हो जाता है तो वो लोग लगा देते हैं, तो उससे अगर आपने ये टैक्टिकल मास्क को इक्विप किया है तो उनका ड्यूरेशन उस चीज़ का 40% से कम हो जाएगा, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा वो। और ये भी इंजीनियर रिवील एनिमी स्कोर स्ट्रिक और ये सब आपको पता चल जाएगा, बट इसमें भी बेस्ट मैं बताता हूँ डेड साइलेंस ही है, मतलब साइलेंट मूवमेंट, एनिमी को आपके फुटस्टेप ज़्यादा पता नहीं चलेगा आप कहाँ से आ रहे हो, तो ये सब काफ़ी सही। और यू नो सुमड़ी में जाके आप मार सकते हो। तो ये था बेसिक गाइड लोड आउट के बारे में, आई होप आपको समझ गया होगा। लोड आउट में दो लोड आउट रखना है आपको, मेन एक और चीज़ बता रहा कि आपको दो लोड आउट रखना होता है, एक वन और टू। तो फर्स्ट में ऑलवेज़ ये रखो AR, मतलब असॉल्ट राइफल जो भी है आपका, और सेकेंड में एक स्नाइपर रखो, क्योंकि कोई कोई मैप्स में ऐसे होता है कि स्नाइपर की ज़रूरत पड़ती है, तो स्नाइपर्स में भी इसमें आपको देख लो कौन सा वाला ज़्यादा यू नो अनलॉक हुआ आपके अब, और डैमेज जिसका ज़्यादा है। अभी आर्टिक को रखता हूँ मैं, इसका डैमेज बहुत ज़्यादा, कंट्रोल भी +68 दिख रहा है, तो आर्टिक इसको स्नाइपर को अपन ने रख लिया है। एंड इसमें भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, बस आपको सेकंड में मैं बोलूँगा एक में स्नाइपर रखो और एक में AR रखो। सो इससे काफ़ी अच्छा आपको गन सिलेक्शन कर सकते हो मैप वाइज। तो यही था गाइस लोड आउट के बारे में वीडियो, आई होप आपको समझ गया होगा पूरा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये भी बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, वो भी बना के मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको अपना नेम चेंज करना नहीं आ रहा है या कस्टम रूम ज्वाइन करना नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक में मेरे वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे चेकआउट करो एंड सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।